भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक सरदेंदु तिवारी की उपस्थिति में संपन्न हुई छिंदवाड़ा की प्रथम जिला प्रबंध समिति की बैठक, संगठनात्मक विषयों पर हुई चर्चा। अंजुमन कॉम्प्लेक्स के पास रहने वाली एक महिला ने किया जहर का सेवन, अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभी विभाग प्रमुख रहे मौजूद। और अंजुमन कॉम्प्लेक्स स्थित 13 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया हुई संपन्न, बोलीदारों ने बढ़ चढ़ कर लगाई दुकानों की बोली। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा की प्रथम जिला प्रबंध समिति की बैठक आज जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक तथा संभाग प्रभारी सरदेंदु तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला संगठन प्रभारी संतोष पारिक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, नथन शाह कवरेती, जिला महामंत्री परमजीत विज, टीकाराम चंद्रवंशी, श्रीमती कांता ठाकुर की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में बूथ विस्तारक योजना एवं संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा कार्यालय में सरदेंदु तिवारी के आगमन पर वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों सहित भाजपा जिला कार्यालय मंत्री अल्केश लांबा, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, स्वास्थ्य समिति जिला प्रभारी दशरथ साहू, अंकित सोलंकी ने फूलमाला एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक योजना के तहत पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए बूथ तक निकली हुई है। हम बूथ का डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। देश में पहला ऐसा राज्य है और भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा दल है जो डिजिटलाइज तरीके से पूरे हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये हमारा हमेशा होता रहा है। हमारे पास हमेशा कार्यकर्ता पे आधारित संगठन है, कैडर बेस हमारी पार्टी है। साथ में पार्टी का हर वर्ग में, हर जगह पहुँच हो, हर तरीके से हम लोगों के बीच में जा सकें, सब तक हमारा विस्तार हो, उस दिशा में काम चल रहा है। बहुत सारी देश की सरकार की माननीय मोदी जी की योजना है, शिवराज जी की योजनाएं हैं, हमारे हर घर में हमारे हितग्राही हैं और चूंकि हमारी सरकार है इसलिए बहुत सारी योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुँच रहे हैं, उनको लेके भी लोगों तक जाना है। इसी उद्देश्य से आज यहाँ मेरा आना हुआ था। हम सब यहाँ पार्टी के सभी वरिष्ठ बैठे हैं और छिंदवाड़ा जिले ने इस पूरी बूथ विस्तारक योजना में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। आज हम मध्य प्रदेश के शुरू के 5 हमारे संगठनात्मक जिलों में छिंदवाड़ा है और पूरे मनोयोग से नीचे तक के कार्यकर्ता पार्टी के विस्तार में लगे हैं। इसकी भी यहाँ के सभी हमारे पदाधिकारियों को मैं शुभकामना देने के लिए आया था। राज टॉकीज क्षेत्र के अंजुमन कॉम्प्लेक्स के पास निवासरत एक महिला ने आज जहर का सेवन कर लिया, जिसे तत्काल परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को नागपुर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने यह कदम अंजुमन कमेटी के द्वारा उसके संबंध में की गई कार्यवाही के चलते उठाया है। इस कार्यवाही के कारण महिला अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। वहीं अंजुमन कमेटी द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में महिला के पति ने थाना कोतवाली में शिकायत कर कार्यवाही की मांग भी की थी, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। महिला के पति ने अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों व अन्य लोगों पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। भाई, मेरे कल शुक्रवार के दिन रिसाला मस्जिद में मेरे मिसेज के नाम को वहाँ पे चपकाया गया षड्यंत्रकारी तौर पे। उसमें सदर रूमी पटेल और क्या कहते तंजिल और शाहरुख, ये तंजुल शाहरुख ने मेरी अहलिया का नाम जबरदस्ती, मेरी मिसेज का नाम जबरदस्ती वो पर्चे में चिपका दिए कि ये इनने षड्यंत्रकारी करी है, ये घरेलू गृहिणी है, घर से आना नहीं जाना। अब इसको आज सुबह कुछ लोगों ने भी टसे कि तुमने ऐसा करे तो वो टेंशन में कल से थी तो उनने आज क्या मालूम क्या करिए। मेरा प्रशासन से ये भी है, कल टीआई साहब से भी मेरी बात हुई थी, सर इसका जल्दी करिए। उन्होंने टीआई साहब को भी कल ये बोली थी कि सर मैं कुछ कर लूँगी, मगर अभी तक के उन्होंने जो भी कर रहे थे अब मुझे आइडिया नहीं, मगर इनने अपने टेंशन में अपना क्या कर लिए। अब इसका जिला की रहने वाली है, उन्होंने जहर खाया हुआ है, मामले की जाँच की जा रही है कि जहर क्यों खाया है और ऐसा उन्होंने कदम क्यों उठाया है, इस मामले की जाँच की जा रही है। जैसे ही कोई तथ्य आता है अवगत कराया जाएगा।
सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों के उपयुक्त व गुणवत्ता युक्त निराकरण के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपर कलेक्टर विकास हरेंद्र नारायण ने सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों के संबंध में जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी वास्तव में पात्र था और उसको बाद में उसको लाभ नहीं मिला, वो भटकता रहा उसके बाद, और आपने फोर्सलेस करके बैठे हुए हो कि साहब हमने तो सब काम कर दिए, और वो शिकायत करता बेचारा वो भटक रहा है, तो इसलिए फिर वो फिर कार्रवाई होती है। वन थर्ड मार्क्स आपके कट गए, 10 में से 1/3 मार्क्स आपके कट गए, मतलब आपने जितनी फोर्स क्लोज हुई है आपके यहाँ उसकी 1/3 शिकायतें निम्न गुणवत्ता वाली थी। अगर आपने 3 शिकायतें बंद कराई हैं तो 3 में से 1 आपकी निम्न गुणवत्ता की होगी, अगर आपने 6 फोर्स क्लोज करवाई हैं तो 6 में से 2 होंगी। फोर्स क्लोज करने के लिए आप डालते हैं, आपको लगता है कि इससे हमारे मार्क्स कुछ बढ़ जाएंगे, लास्ट तक हमारी शिकायतें कम हो जाएंगी, लेकिन निम्न गुणवत्ता होने की वजह से वो लाभ होने की वजह हानि और हो जाती है, लॉस हो गया वो मार्क्स का। जल संसाधन विभाग से आए हैं जी सर। 8.68 कितनी शिकायतें क्लोज करवाई थी फोर्स क्लोज? क्या कौन देखते हैं? जो डीएम उन्हीं को बुलाया था जो देखता है। आप क्यों आए हो फिर? जो ड्राफ्टमैन देखता है वो आप क्या हो? मैं सर ए ही को तो नहीं बुलाया था ना यार, हमने इसलिए बुलाया था जो लोग डायरेक्ट निराकरण डालते हैं, अगर वो स्वयं नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा? मैं कन्वे कर दूंगा। ड्राफ्टमैन जो ए ही ऊपर होता है तो वो ड्राफ्टमैन का काम ए ही को पकड़ा दिया। कौन सा विभाग है? जल संसाधन विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग। आपके 5 मार्क्स आपने काट लिए, 2 ही तो शिकायत थी आपकी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा बूथ विस्तार योजना के अंतर्गत 21 सदस्यीय मतदान केंद्र समितियों एवं पन्ना प्रमुख का गठन किया जा रहा है, जिसका 20 जनवरी से 30 जनवरी के भीतर डिजिटली एवं फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाना है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर पहुंचकर लगातार मतदान समितियों एवं पन्ना प्रमुख का सत्यापन संगठन ऐप द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एडवांस पब्लिक स्कूल में भाजपा कार्यकर्ताओं का वेरिफिकेशन कार्य संपन्न किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे हम लोग ये जो वोटर लिस्ट है उसमें 21 सदस्यों की सूची तैयार कर रहे हैं। बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत आज एडवांस स्कूल में वोटर लिस्ट में सभी कार्यकर्ता हमारे योजना को लेकर, पार्टी की जो योजना उसको लेकर कार्य कर रहे हैं। अंजुमन कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर की 13 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया आज अंजुमन इंग्लिश मीडियम स्कूल में संपन्न हुई। नीलामी में अंजुमन कमेटी के पदाधिकारी सदस्य व बड़ी संख्या में बोलीदार उपस्थित रहे। नो फैशन बोलेंगे मोहम्मद तारिक खान साहब की जानिब से हमारा लल्ला चढ़ा के हमारे पत्रकार बंधु और यहाँ हाजिर हुए उनसे हम स्वागत करते हैं, सवाल करते हैं। 2 लाख चलिए ना, 2 लाख 80 हजार क्या बात है? सुबह लल्ला चढ़ के आपको 10 लाख रुपए अनस भाई क्या बात है? अनस भाई ₹10 लाख सिर्फ बोलेंगे काली भाई अंबर भाई शादी भाई हनी भाई है भाई और अल्लाह का बंदा आजम भाई 10 लाख उसको बुला दो और कोई बोलने वाला है तू चलिए 10 लाख चाहिए हमारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलिए और बोलेंगे वकील साहब और कोई बोलेंगे सुपर स्टार साहब बोलेंगे नहीं बोलेंगे चलिए और कोई बोलेगा
फिर बताएंगे आजम भाई का रेट अगर लिखनी होंगे तो बताएंगे 10,000 बोले तुमने बढ़ाने के लिए, फिर से बोलेंगे सोनू भाई नाम बताएंगे रेट बताएंगे सोनू भाई। चलिए बोली साहब खोलिए जी 8-20, चलिए राउंड फिगर में लाए 8,20,000 रुपए हमारे छोटे भाई अहबाब खान साहब ने, हमारे छोटे भाई हाजी साहब ने रेट बोलेंगे नाम बोलेंगे सोनू भाई अगर नहीं बोली साहब 8,20,000 रुपए चलिए हम बोलने के जी 30 हाजी साहब हमारे छोटे भाई अहबाब साहब हाजी साहब बोल रहे हैं 8,20,000 रुपए सोनू भाई रेट बोलेंगे नाम बोलेंगे अहबाबुद्दीन साहब 8,30,000 नाम बोलेंगे अहबाबुद्दीन साहब 8,30,000 चलिए अकबर भाई चलिए 65 बोल रहे हैं बोलेंगे बोलेंगे ₹9,55,000 फर्स्ट फ्लोर की 13 दुकानों की नीलामी अंजुमन इंग्लिश मीडियम स्कूल में रखी गई है। ये 5वें दौर की नीलामी है और इसकी ऑफसेट प्राइस जो है 7,00,000 रुपये रखी गई है। 7,00,000 रुपये से ऊपर की जिसकी अधिकतम बोली होगी खुली नीलामी में उसे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल और अंजुमन कमेटी के नियम व शर्तों के अनुसार 11 महीने की किराएदारी पर दुकानों को किराए पर दिया जाएगा और सभी समुदाय के लोग इस नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और आज 29 जनवरी को 5वें दौर की नीलामी है और 5 फरवरी को फिर 6वें दौर की नीलामी है बची हुई 11 दुकानों की। मोहखेड़ विकास खंड के शासकीय SBS माध्यमिक विद्यालय मोहखेड़ में आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ लेखपाल सुरेश कुमार अल्डक को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्मृति चिन्ह शॉल श्रीफल से सम्मानित कर विदाई दी गई। इस अवसर पर जन शिक्षा केंद्र मोहखेड़ के पूर्व जन शिक्षक गुलजारी लाल पाठे का भी स्मृति चिन्ह शॉल श्रीफल के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट विद्यालय मोहखेड़ के प्राचार्य संतोष गौतम, BSE अरविंद भट्ट, BSE मनोज कोलारे, प्रदर्शन संस्था के प्रधान पाठक नूर खान, सेवानिवृत्त शिक्षक अब्दुल्ला खान, शेख नसीब अंसारी, अहमद शाह सैयद, अरविंद कुमार चौरसिया, उदयराम पाटिल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जन शिक्षक जगदीश धुर्वे, किशोर जगदले बाबूजी, शिक्षक शिवेंद्र तिवारी, विनोद कुमार चौरसिया, शिवलाल गाखरे, संजय भारती, ओम प्रकाश तिवारी, अजीत टोप्पो, शोभी कुरैशी, अजाब राव शेर के, नामदेव बन्नाइत, कांता चेचकार, समीना खान, विनोद पाटिल एवं रामदास नागरे का विशेष योगदान रहा। लेकिन यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी इनसे कुछ डिमांड की थी कि मुझे हमें भी मतलब हमारे तरफ भी दे दो। मैं हमारे सम्मानित प्रचार मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि बेबी काम करता हूँ या काम करने में महारत हासिल हुई है उसमें पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलने वाले और हमेशा सदैव सहयोग करने वाले मेरे सहकर्मी, बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। पूर्व में भी प्रधान डोगरी क्षेत्र में हमारे गजान सर और उइके जी और अन्य शिक्षक साथियों के विदाई कार्यक्रम हुए, वहाँ भी जब शुरुआती अवसर पे बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ था तो मैंने समय भी इस बात को कहा था, उस बात को मैं पूरी कर दूँ बुलारे जी की बात को कि ये जो विदाई समारोह हम लिखते हैं इसको विदाई समारोह ना लिखते हुए हम सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह शब्द का उपयोग करें। और बहुत खुशी की बात है कि जो यहाँ समिति बनी हुई है इस कार्यक्रम को जो अंजाम लगातार दे रहे हैं वो समिति का नाम भी कुछ ऐसा हो कि सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह समिति, 4S के रूप में हम उस समिति को जाने और उसको लेके आगे बढ़ें। हमेशा आपको सहयोग करूँगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा इसी विश्वास के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद। तामिया तहसील की ग्राम पंचायत जोगी मुआर के ग्रामीणों ने आज सहायक सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक परिवार के 3 सदस्यों को जॉब कार्ड के माध्यम से फायदा पहुंचाने व कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। मामला यह सर ग्राम पंचायत जोगी मुआर में जो सहायक सचिव है उनकी हम मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है
और उनके परिवार में मात्र 4 सदस्य हैं, मम्मी और उनके पापा और वो सहायक सचिव और उनकी मिसेज। उन तीन परिवार के बीच में 3 जाप कार्ड हैं, 4 परिवार के बीच में, और तीनों जाप कार्ड में रेगुलर पैसा जा रहा है ना। तो हम लोगों का कहना है कि वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके जाप कार्ड नहीं बनना चाहिए, वो रेगुलर काम में जाते भी नहीं है ना, और पैसे जा रहे हैं। तो इसीलिए उसकी शिकायत हम यहाँ करने आए थे कि उनकी पुनः जांच हो, है ना, पुनः जांच हो ताकि हितग्राहियों को न्याय मिले। द्वारका प्रसाद दुर्वे, ग्राम जोगीमोहर, पोस्ट सिंधी, तहसील थाना तामिया, जिला छिंदवाड़ा। सेवा ही संकल्प ग्रुप के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर 28 जनवरी को वार्ड नंबर 22 आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 सोनाखार सहित पाठा ढोलन खापा के स्कूलों में ग्रुप के संरक्षक न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके एवं श्रीमती संतोषी गजबीये, अलका शुक्ला एवं उनकी टीम के द्वारा बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीता साहनी, शिवम पहाड़े, संजय लारोकर, प्रमोद भिवगड़े, अनिल गजबीये, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रंजीता लिंगायत, जनशिक्षा केंद्र प्रभारी शरद राय, जनशिक्षक प्रदीप सूर्यवंशी, प्रधान पाठक अनीता परिहार, प्रधान पाठक सविता सूर्यवंशी, शिक्षाविद जितेंद्र भट्ट, विनोद तिवारी, प्राचार्य ज्ञानज्योति स्कूल शशि तिवारी, प्रधान पाठक उर्मिला इबनाती, राजकुमारी अहिरवार, रजनी साहू, सुमन उइके, निर्मला कार्टे, जितेंद्र शर्मा, संतोष सोनी, राम किशोर धुर्वे, करण धुले सहित वार्डवासी उपस्थित थे। सभी लोग आए हुए हैं, सेवा ही संकल्प ग्रुप एक समाज हित में है, जनहित में है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये टोटल जितनी समाज भारत देश में, किसी भी समाज जहाँ कहीं जिनको ज़रूरत है कि उनको सहायता करना चाहिए, जो लोग जिन लोगों के लिए सहायता करना चाहिए, ऐसा सेवा संकल्प ही है। हमारे जिले में एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो रियली में समाज के लिए काम कर रहा है, सभी लोगों के लिए, और जिसमें हमारे मजिस्ट्रेट साहब आदरणीय प्रकाश सिंह उइके जी का योगदान बहुत बड़ा है, और सभी टीम के द्वारा आज सोनाखार में ये स्वेटर वितरण किया गया है। ऐसे ही इनके द्वारा छिंदवाड़ा जिले में विभिन्न सभी जगह पे ये वितरण किया जा रहा है एवं लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है ठंड के समय। हम ऐसे समस्त सेवाई संकल्प की समस्त टीम और आदरणीय मजिस्ट्रेट साहब प्रकाश सिंह उइके जी को दिल से साधुवाद धन्यवाद देते हैं। सविता सूर्यवंशी, शासकीय प्राथमिक शाला ढोलन खापा से, श्री प्रकाश उइके जी न्यायाधीश के द्वारा हमारे शाला में छात्राओं को स्वेटर वितरित की गई, इसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं और ये चाहते हैं कि आगे भी वो हमारे बच्चों को इसी प्रकार से सहयोग करते रहें। धन्यवाद जी। मैं श्रीमती अनीता परिहार, शासकीय प्राथमिक पाठा खेड़ा से, जिसमें 46 बच्चे दर्ज है और अपने माननीय न्यायाधीश जी प्रकाश उइके जी के माध्यम से यहाँ स्वेटर वितरित की गई है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं आगे भी अपेक्षा करती हूँ कि वे इसी तरीके से हमें सहयोग देते रहे हमारे बच्चों के लिए। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर जारी इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच 30 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले में आरकॉन्स जिमखाना छिंदवाड़ा व सिवनी बॉयज सिवनी की टीम खिताब के लिए आमने सामने होंगी। प्रतियोगिता के सचिव संदीप मालवी ने फाइनल मैच को लेकर जानकारी प्रदान की। स्वर्गीय मनोहर लाल मालवी जी की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 का हमारा दिनांक 15 जनवरी से ये आयोजन चालू किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश इंडिया की 12 टीमों ने भाग लिया, जिसमें मुंबई, आगरा, दिल्ली, नागपुर, इंदौर, ऐसे बड़े बड़े महानगरों के क्लबों ने भाग लिया। इन सभी टीमों में रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ियों ने अपने अपने खेल का जोहर यहाँ पर दिखाया। खेल में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ने इसमें अपना उत्साहवर्धन किया है सभी खिलाड़ियों का, और इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कल दिनांक 30 जनवरी को खेला जाएगा, जिसमें फाइनल पहुंची टीम जो है स्यूनी बॉयज़ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भा और भी जहां के रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी हैं, और दूसरी टीम जो पहुंची है वो जिमखाना क्लब पहुंचा हुआ है छिंदवाड़ा की ओर से, जिसमें कि विदर्भा के
11 के 11 खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी के हैं, जिनका मैच कल 12:30 बजे इंदिरा गांधी फिरदौसी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसके मुख्य अतिथि हैं इंडिया को जिन्होंने 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं, संजय भारद्वाज जी, इनके द्वारा गौतम गंभीर, उन्मुख चंद, ईशान शर्मा, अमित मिश्रा और महिलाओं में भी और भी कुछ नाम है उसमें बहुत सारे। तो कल ये मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा आ रहे हैं। ये प्रथम द्वितीय तृतीय इनामों में क्या क्या रखा गया? प्रथम इनाम जो है हमारा इस प्रतियोगिता का 1,25,000 रुपये रखा गया है और द्वितीय पुरस्कार जो है 65,000 रुपये रखा गया है। और ये जो टूर्नामेंट जो है हमारा चल रहा है भाजपा के जिला अध्यक्ष बंटी साहू जी के नेतृत्व में ये आयोजन किया जा रहा है। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के निर्देश पर कामगारों की कांग्रेस अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज ग्राम पिंडरी में मनरेगा मजदूर श्रीमती मुन्नी यादव एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष कदीर खान की अध्यक्षता में मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आधा दर्जन गाँवों के सैकड़ों मजदूर एवं कामगार कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरसिंह साहू, रघुवीर मोहने, रामकृष्ण माटे, नीरज साहू, पूनाराम चोरिया, सरदार सिंह, क्रिस वस्त्राणे सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन को सौसर विधायक विजय चौरे, कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष द्वारपाल मालवी ने संबोधित किया। कांग्रेस के कार्यकाल में 15 महीने और कांग्रेस का विधायक 3 साल, इन 3 सालों में जो काम आपके गाँव में हुए वो सब आपके सामने। 63 लाख की पानी की टंकी, पेयजल योजना, आंगनवाड़ी भवन, अस्पताल, उसके बाद में 20-22 लोगों को हमने पट्टे दिलाए। अभी कुपड़ा से लेकर के पिंडरी तक सड़क का काम शुरू हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ जो इस गांव में के नुमाइंदे करते हैं, और 3 साल विजय चौरे की आप तुलना करके देख लो कि 3 सालों में क्या हुआ, 15 सालों में क्या हुआ। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आपने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ मुझे विधायक चुना, इस गांव से भारी वोटों से आपने मुझे जिताया। मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमारी सरकार नहीं है या कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है तो हम कमजोर है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम मजदूरों के, किसानों की आवाज छिंदवाड़ा जिले तक लेकर जाएंगे। यह आपको वचन और विश्वास दिलाता है। ये मकान की जो समस्या है, अभी एक भाई कह रहे थे कि पिंडरी में नहीं बने, बाकी सब जगह बने हैं। मैं अभी तक ये मेरी 50 बैठक है गांव के अंदर, उन 49 गांव में मैं बैठक करने गया था, उन 49 गांव में भी यही स्थिति थी कि एक भी मकान नहीं बना। उन 49 गांव में भी यही थी कि मनरेगा में रोजगार गारंटी में काम नहीं मिलता है, मिलता है तो मजदूरी प्रॉपर नहीं मिलती। हमने पिछली बार जिला पंचायत का घेराव किया था, उसके बाद मनरेगा में काम शुरू हुए थे, उसके बाद कुछ सर्वे शुरू हुआ। लेकिन सवाल ये है, आप इसको सोचिए कि इस पर विचार कीजिए कि मनरेगा में काम क्यों नहीं मिल रहा और आपको मकान क्यों नहीं पक्का मिला। मैं सिर्फ आपको, हमारे विधायक जी के सामने, अपने कांग्रेस के नेताओं के सामने जो जानकारी देने के लिए और जो बातचीत करने के लिए, उस बात को समझिए। पक्के मकान का सर्वे 2011 में हुआ था, आपको जानकारी की हो या सचिव खड़े हुए तो, 2011 में पक्के मकान का सर्वे हुआ था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे। आज कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। 11 साल में मध्य प्रदेश की सरकार आपको पक्के मकान नहीं दे पाई, क्यों नहीं दे पाई कभी सोचा? घाट पर आसिय छिंदवाड़ा स्थित महंत बालक दास जी महाराज के आश्रम में 7 दिवसीय अखंड संगीत में सीताराम कीर्तन पाठ का आयोजन किया गया है। स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। और
आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक सरदेन्दु तिवारी की उपस्थिति में संपन्न हुई छिंदवाड़ा की प्रथम जिला प्रबंध समिति की बैठक, संगठनात्मक विषयों पर हुई चर्चा। अंजुमन कॉम्प्लेक्स के पास रहने वाली एक महिला ने किया जहर का सेवन, अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभी विभाग प्रमुख रहे मौजूद। और अंजुमन कॉम्प्लेक्स स्थित 13 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया हुई संपन्न, बोलीदारों ने बढ़ चढ़कर लगाई दुकानों की बोली। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।